नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फोटोशॉप की मदद से एक लोगो डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास है फोटोशॉप सीसी 2018, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, फोटोशॉप ओपन होकर के कुछ इस प्रकार से आया है। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, क्रिएट न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1920 है ना, यहाँ पर 1080x1080 का ले लेता हूँ। 1080 pixel × 1080, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरस्वती लोगो, SARASWATI, सरस्वती लोगो। ओके, ये सरस्वती पूजा के लिए हम जो है लोगो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एक एस्क्वायर में डॉक्यूमेंट बनकर आ चुका है, 1080 pixel × 1080 का। दोस्तों, आज हम कुछ इमेज के माध्यम से लोगो बनाएंगे। ओके, तो मैं इमेज पहले डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो इमेज है। मैं क्या करूंगा, दोनों इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ जो है अपना फोटोशॉप के अंदर लेकर आ जाऊंगा। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली फोटोशॉप में आकर मैं यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ। तो देख सकते हैं, एक हमारा ये क्वाइंस है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। और एक जो है हमारा ये वाला है, ठीक है, ये भी पिक्चर्स हैं, इनको भी मैं बड़ा कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे जो है बड़ा कर लिया है। ओके, मैं डबल क्लिक कर देता हूं, डबल क्लिक करते ही ये फिट हो गया। और मैं क्या करता हूं, इनको अभी लॉक कर देता हूं, जो हमारा क्वाइंस वाला था। ओके, और दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो है ना सूर्य के आकार, इनको बैकग्राउंड से बाहर निकालना है। ओके, तो बाहर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए यहां से हम पेन टूल ले लेंगे। ओके, मैं पेन टूल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों, सिलेक्शन करने में काफी समय आपको लग सकता है, तो चलिए सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पूरा सिलेक्शन नहीं करूंगा, आधा ही मैं सिलेक्शन करूंगा। ओके, तो आधा सिलेक्शन करना चालू करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आप जो है अपने इच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूं। तो दोस्तों, यहां से क्या है कि हमको आधा लेना है, तो मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर क्लिक किया, अर्थात आधा काट लिया। अब ऊपर की तरफ से हम सिलेक्शन करना चालू करेंगे। ओके, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ओके, अल्ट के साथ मैं बटन घुमा रहा हूं तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं यहां क्लिक करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, यहां करूंगा। यहाँ पर किया और डायरेक्टली यहाँ पर किया, कंट्रोल का बटन दबा करके इसको यहाँ पर ले आया, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसको मिला लिया। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमने जो है सिलेक्शन बना लिया है कुछ इस प्रकार से। ओके, आधा ही सिलेक्शन बनाया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कंट्रोल के साथ इंटर का बटन दबा देना है। ओके, कंट्रोल के साथ इंटर दबाया तो ये सारे सिलेक्शन में बदल गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्शन में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, फीदर में जाना है, और एक जो है इनको फीदर दे देना है। ओके, हमने फीदर दे दिया। कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करना है, सॉरी आपको इस पे आना, देख लीजिएगा इधर लेयर है ना, ये जो लेयर सिलेक्ट किए हैं
उन्हीं लेयर पे आके आपको जो है कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल जे। जैसे ही हमने कंट्रोल जे किया तो इसका जो है डुप्लीकेट बन गया और जितना हमने सिलेक्शन किया था वो आ गया। इसे मैं अनहाइड कर देता हूं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से आया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम सिलेक्शन पे आ जाते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया और इसको मैं ऊपर लेके यहां पर आ गया हूं। ओके, आप देख सकते हैं मैं यहां पर लेकर आ गया। हमें करना है क्या है, डुप्लीकेट करना है। तो मैं यहां से इसको पकड़ के लेकर आता हूं और ये नया वाला है ना, इसके ऊपर छोड़ देता हूं, बस ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कंट्रोल टी का बटन दबाना है, राइट क्लिक करना है और यहां वर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, उल्टा हो गया। आप चाहे तो एरो का बटन दबा लीजिए नीचे वाला, जो चार बटन रहता है ना ऊपर नीचे करने वाला, तो इससे मैं एरो का बटन नीचे वाला दबा रहा हूं तो ऊपर वाला जो है हमारा पहला सिलेक्टेड था वो कुछ इस प्रकार से आ चुका है। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, यहां से इनको मिला लेना है। ठीक है, सिलेक्शन पे रहते हुए अप्लाई कर दीजिए, तो देख सकते हैं ये जो है ना आपस में मिल करके पूरा का पूरा चक्कर बन चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आप चक्कर बन चुका है। आपको अगर आप चाहें ना तो इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, कंट्रोल ई का बटन दबा दीजिएगा तो ये मर्ज हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। ओके, मैं अभी मर्ज नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल जेड कर देता हूं। तो ओके, कंट्रोल अल्ट के साथ जेड किया तो दो हो गया है अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लॉक कर दूंगा। ओके, मैंने दोनों को लॉक कर दिया ताकि हमारा इधर उधर ना हो। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, यहां पे हमें नाम लिखना है। ओके, जिनका लोगो मैं बना रहा हूं वो बोला था कि हमें साहू नवयुवक क्लब लिखने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हमें करना क्या है, डायरेक्टली सबसे पहले तो एक न्यू लेयर लेंगे, सबसे ऊपर न्यू लेयर हमने ले लिया और यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले हम, तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं और आप चाहे तो यहां पर कस्टम में जाकर, कस्टम सेफ है ना, इसमें जाकर के आप डायरेक्टली राउंड वाले भी ला सकते हैं। तो मेरा राउंड वाला पहले सिलेक्टेड है, आपको इनमें मिल जाएंगे जो राउंड वाले हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से भी है, ये देखिए ये वाला सिलेक्ट है हमारा। ओके, यहां पर आया हूं और यहां पर मैं क्लिक कर दिया, शिफ्ट और अल्ट का बटन दबा दिया हूं और इनको जो है मैं इसके बराबर जो है यहां पर कर लेता हूं। तो देख सकते हैं अभी हमारा इस प्रकार से हो चुका है। मैं क्या करूंगा, इसका कलर जो है ना वो चेंज कर दूंगा, मैं फिलहाल अभी ग्रीन कर देता हूं। तो देखिए मैंने ग्रीन कर दिया है। ठीक है, ग्रीन करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और इसका जो है ना पूरा का पूरा इस सर्कल में, नीचे वाला लेयर में सर्कल में मैं इसे सेट कर लेता हूं। ओके, देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहां पर सेट कर लिया है। ठीक है, सेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये जो हमने अभी शेप बनाया है, शेप बनाया हुआ ऊपर क्लिक करने के बाद यहां एफएक्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहां से ब्लेंडिंग मोड को मैं ऑन कर लूंगा। जैसे ही मैं ब्लेंडिंग मोड ऑन किया तो देख सकते हैं इस प्रकार हमारे पास पैनल आ चुका है। यहां से बेवल एंड इम्पोज जो है वो मैं ऑन कर दूंगा, देखिए ऑन कर दिया। यहां 95 है इनर बेवल है, ओके, यहां इनर रखना है, यहां स्मूथ रखना है, 95 रखना है, आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो इन्हें बढ़ा या घटा भी सकते हैं, लाइटिंग का ये डेप्थ है। ओके, अप की तरफ रखना है या डाउन की तरफ रखना है तो मैं डाउन की तरफ ही रखूंगा, या आप चाहे तो इनका साइज जो है ना पूरा बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो मैं नहीं साइज बढ़ा रहा हूं, जितना था उतना ही रखता हूं, आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार यहां से कर सकते हैं साइज। ठीक है, तो चलिए मैं फिलहाल 0 ही रखने देता हूं। यहां से स्मूथनेस है, आप चाहो तो स्मूथ भी बना सकते हो, स्मूथ नहीं बनाना हमें। ऊपर वाले को मैं क्या करता हूं, 1 कर देता हूं। ओके, तो देख सकते हैं हमारा अभी जो है कुछ इस प्रकार से लोगो बन चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से है ना ये ग्रेडियंट को मैं फिल कर लेता हूं। तो ग्रेडियंट ये वाला ग्रेडियंट है, आप देख सकते हैं यहां से ये वाला ग्रेडियंट है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये वाला जो है आप देख सकते हैं हमारा ग्रेडियंट भी बनकर कुछ इस प्रकार से आ चुका है। ठीक है, आप चाहे तो कलर ओवरले भी कर सकते हैं, दूसरा कोई कलर आपको रखना है तो। ओके, पैटर्न ओवरले है, यहाँ पैटर्न भी खूब सारे हैं, आप चाहे तो इसमें पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां से साटिन है ना, साटिन को सबसे पहले ऑन कर लेता हूं। ओके, तो यहां साटिन है, साटिन को मैंने क्लिक किया तो ये क्या हुआ, थोड़ा कलर जो है इनका डार्कनेस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो ड्रॉप शेडो भी ऑन कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो ऑन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको खड्डा जैसा दिखेगा। ओके, ठीक है, चलिए मैं एक ड्रॉप शेडो भी ऑन कर दिया हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है हमारा अभी तक बन चुका है। अब हमें इसमें नाम लिखना है घुमा करके। ठीक है, इनमें राउंड में शेप में नाम लिखना है, तो चलिए हम लिखना चालू करते हैं। लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से यहीं पर लिख लेता हूं इस कॉर्नर में, तो मैं यहां इसके ऊपर आता हूं, शेप के ऊपर, इलिप्स के ऊपर आया और यहां से मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और अल्ट के बटन दबा करके मैं ऐसा राउंड इसे बना लिया। ओके, राउंड बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां नो फिल कर दूंगा।
नो फिल, ये हमारा फिल हट चुका है। अब मैं डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट टी लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा। यहां पर हमने क्लिक कर दिया, अब मुझे जो लिखना है ना वो मैं लिख लेता हूं। तो हमें लिखना है साहू, तो कैपिटल में लिखना है एस ए एच यू साहू, एन ए वी वाई यू ए के नवयुवक, ओके सी एल यू बी नवयुवक क्लब, ओके। तो हमने यहाँ पर नवयुवक क्लब जो है वो लिख दिया है। मैं इनका साइज वगैरह वगैरह सब एडजस्ट करके बढ़ा लेता हूँ, आप भी अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी उतना, ठीक है। तो मैं इनका साइज जो है बढ़ा लेता हूँ, ओके तो मैंने इनका साइज जो है इतना बढ़ा लिया है। और यहाँ से आप चाहे तो इनका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, खूब सारे फॉन्ट आपके यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। तो फिलहाल मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ, ओके मैं ये वाला फॉन्ट जो है रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा नवयुवक क्लब कुछ इस प्रकार से अभी जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा लेते हैं जितना हमें घुमाना है। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से इसको डायरेक्टली, ओके यहां से मैं उठा करके यहां पर ले आऊंगा जहां पे हमें रखना है। तो आप देख सकते हैं हमें यहां पर रखना है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, तो शिफ्ट और अल्ट का बटन दबा करके हम इसे छोटा कर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसे छोटा कर लेता हूं, ओके। तो मैंने छोटा करके कुछ इस प्रकार से यहां पर जो है इसको बैठा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो अभी जो है मैंने कुछ इस प्रकार से यहां पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, नीचे भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं इसे भी थोड़ा बंद कर देता हूं और इनका ही मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं। ये शंकर नवयुवक क्लब है ना, इन्हीं सॉरी साहू नवयुवक क्लब है, इन्हीं को मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं। हमने डुप्लीकेट बना लिया, डुप्लीकेट बनाने के बाद हमें करना क्या है, इनको इनके ऊपर भी कुछ लिखना है, लेकिन हमें अंदर की तरफ से लिखना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इनको जो है ना इनको नीचे लेकर आ जाएंगे, वही नीचे वाले एरो की बटन से। हमने इसको क्या किया है, नीचे जो है वो लेकर आ गया है, ओके। नीचे लाने के बाद देखिए यहां से हमको इस प्रकार से लिखना है, सीधा लिखना है। अभी ये क्या है, अभी ये उल्टा है, ओके। तो हमें इसे सीधा करना है, सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो है ना डुप्लीकेट बनाने के बाद यहां से हम डायरेक्टली ड्रैग सिलेक्शन पे चले जाएंगे। ड्रैग सिलेक्शन पे जाने के बाद, ओके यहां से देख सकते हैं मैं ड्रैग सिलेक्शन पे आ गया हूं। यहां से मैं क्या करूंगा, इनके जो है अंदर ला दूंगा, देखिए ये अंदर भी आ चुका है। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इनको भी पकड़ के जहां हमें रखना है वहां पर लेकर आ जाऊंगा। शिफ्ट का बटन दबा करके इनको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने इनको बड़ा भी कर लिया। अब हमें यहां पर नाम चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे टेक्स्ट पे चले जाना है, अप्लाई कर देना है। एक बार टेक्स्ट पे आने के बाद यहां से जो है हमने क्लिक कर लिया, अब इनका नाम जो है ना हमें चेंज करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां सभी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं इन सभी को डिलीट मार देता हूं एक बार, ओके बैक स्पेस का बटन दबा रहा हूं, सारा डिलीट हो गया। और यहां पर हमें लिखना है लक्ष्मीनिया, ओके आई स्पेस वाई स्पेस ए, ओके। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर लिखा है लक्ष्मीनिया, ओके। लिखने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से जो है ना ये देख सकते हैं एंकर पॉइंट टूल मेरे पास मिल जाता है, ओके। तो मैं इसको क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर दूंगा, कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सीधा करना है तो कर लीजिए, चलिए मैं थोड़ा कर देता हूँ इनको सीधा और, ओके। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है लक्ष्मीनिया भी लिख दिया है। लिखने के बाद अब हमें इसमें एक क्वाइंस लगाना है जो हमने डाउनलोड करके पहले से रखा था, ठीक है। चलिए उस क्वाइंस को भी ले आते हैं इस पे। तो यहाँ पर हमारा वो क्वाइन है, इनको हम लॉक तोड़ देते हैं। लॉक तोड़ने के बाद इनको सबसे ऊपर लेकर आ जाते हैं, सबसे ऊपर ले आया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, जितना हमें लोगों के अंदर रखना है। तो चलिए मैं इसे सिलेक्शन कर लेता हूं, तो ठीक है दोस्तों, हमने कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन कर लिया है। और यहां डायरेक्टली मैं कंट्रोल जे कर दूंगा। जैसे ही हमने कंट्रोल जे किया तो आप देख सकते हैं हमारा क्वाइंस जो है वो अलग हो चुका है और इनको मैंने हाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वाइंस को पकड़ लूंगा, ओके। इनको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा ये फोटो फटे ना, ठीक है। हमने कर दिया, शिफ्ट के साथ इनको इनके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इनको जो है इस राउंड के अनुकूल ही मैं बना लेता हूँ, ठीक है। सेट
शिफ्ट का बटन दबा करके कीजिएगा ताकि स्टेट में हो। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने क्वाइंस को यहां पर ला करके एकदम बैठा दिया है और ये हमारा लोगो बनकर तैयार है। ठीक है, आप बैकग्राउंड हटा के देख लीजिए तो आपका लोगो जो है कुछ इस प्रकार से अभी है बना हुआ है। दोस्तों, क्वाइंस का लिंक और इन पिक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चाहे तो आप यहां से इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके, इनको क्या करना है, आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, उसके बाद कंट्रोल यू बी जो आपको करना है यहां से आप कलर जो है इनका आसानी से जो मन हो वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लोगो बनकर तैयार है। चलिए मैं इसे पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पे जाऊंगा, सेव फॉर लेजेंसिम करूंगा और यहां से जाने के बाद डायरेक्टली मैं जो है आप जेपीजी में भी कर सकता हूँ और पीएनजी में भी कर सकता हूँ। तो हमें जिसमें करना है उसमें कर लीजिए। पीएनजी 24 है, इनके ऊपर क्लिक कर दीजिए, सेव कर लीजिए। जहां आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए और इन्हें सेव कर दीजिए बस। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है पीएनजी में। ठीक है, इनको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो है लोगो बनकर तैयार है। ओके, बस इतना ही सारा था प्रोसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।